हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें असंख्य तारे और असंख्य प्लैनेट मौजूद है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कुछ ऐसे प्लैनेट जो देखने में बिल्कुल ही अलग है। कुछ तो ऐसे प्लैनेट है जो कि फिजिक्स के लॉ को ही तोड़ देते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, हमारी पृथ्वी से 434 वर्ष दूर वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिसका नाम उन्होंने J1407b रखा है। यह एक्सोप्लैनेट सिर्फ 16 मिलियन साल पुराना है। इस ग्रह की खासियत है कि इसके पास रिंग है, जो कि हमारे सौरमंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह है, लेकिन शनि ग्रह के मुकाबले इसका रिंग 640 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ये रिंग 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैटर्न नाम भी दिया गया है। नंबर टू, हमारी पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर 2020 में नासा द्वारा खोजा गया एक एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने TOI 849b रखा। इस एक्सोप्लैनेट की खोज सैटेलाइट ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से किया गया था। इस एक्सोप्लैनेट की खास बात यह है कि इस प्लैनेट में कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है, और यह प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाता है, जिस कारण इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है और इस ग्रह का एक साल मात्र 18 घंटे का होता है। इस ग्रह पे बहुत बड़े बड़े चट्टान भी मौजूद है, इसलिए इसे सबसे बड़ा रॉकी वर्ल्ड भी कहा जाता है। नंबर थ्री, दिसंबर 2009 में खोजा गया और हमारी पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर एक एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम Gliese 1214b रखा गया। इस एक्सोप्लैनेट की खास बात यह है कि यह पूरी तरह पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी सूखी जमीन मौजूद नहीं है। यह अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा पानी वाला एक्सोप्लैनेट है। यह एक्सोप्लैनेट हमारे पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा बड़ी है। पृथ्वी पर खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद मरीना ट्रेंच है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि Gliese 1214b के समुद्र 9000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं, और उनका यह भी मानना कि इस गहराई में बहुत से भयानक जीव भी मौजूद होंगे। नंबर फोर, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जो कि हमारी पृथ्वी पर पढ़ाए जाने वाली फिजिक्स के सभी नियमों को गलत साबित कर देता है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम Gliese 436b रखा गया है। इस एक्सोप्लैनेट का आकार हमारे सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून जितना ही बड़ा है, लेकिन ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाता है, जिस वजह से इस ग्रह का तापमान 439 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक्सोप्लैनेट बर्फ से बना हुआ है, और विज्ञान के मुताबिक इतने तापमान में बर्फ को पिघल के तरल बन जाना चाहिए, लेकिन Gliese 436b के सतह पर उबलता हुआ बर्फ मौजूद है। नंबर फाइव, 30 अगस्त 2004 में खोजा गया एक एक्सोप्लैनेट जो कि हमारी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी पूरी सतह डायमंड से बनी हुई है और इसका नाम 55 कैनकरी ई रखा गया। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा है और यह पूरी तरह से कार्बन से बना हुआ है, और इसका मास पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी की तरह अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है, और इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 18 घंटे लगते हैं। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ज्यादा तापमान और कार्बन होने के कारण इस ग्रह की परिस्थिति हीरा बनाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है, और यही कारण है कि इसकी सतह पर बहुत सारे हीरे मौजूद है। नंबर 2015 में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया पृथ्वी जैसा ग्रह, जिसका नाम Kepler-452b रखा गया। यह ग्रह बहुत से मायने में पृथ्वी जैसी है, इसलिए इसे सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 नाम भी दिया गया। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसकी इसके तारे से दूरी भी पृथ्वी और सूरज के दूरी जितनी है, और इस ग्रह का तापमान पृथ्वी की तरह ही न ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा। यह ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही अपने तारे का चक्कर काटती है, और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लगते हैं। इस ग्रह पर भी बड़े बड़े चट्टान ज्वालामुखी समुद्र मौजूद है, जिस कारण वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है। नंबर 7, 2013 में वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की थी जो पूरी तरह से गैस से बना हुआ है, जिसका नाम उन्होंने GJ504b रखा। इस एक्सोप्लैनेट का आकार हमारे सौरमंडल में मौजूद जुपिटर ग्रह जितना ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान 4 गुना ज्यादा है जुपिटर से। इस एक्सोप्लैनेट की खासियत इसका रंग जो गाढ़ा गुलाबी है या मैजेंटा है। इसका गुलाबी रंग इसलिए क्योंकि यह प्लैनेट अभी नया नया बना है, जो सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है, और समय के साथ साथ इसका रंग भी बाकी के गैस प्लैनेट जैसा हो जाएगा। नंबर 8, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे काला ग्रह, जिसका नाम उन्होंने HD 149026b रखा, और यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 256 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह जुपिटर की तरह ही गैस से बना है, लेकिन इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है, जो जुपिटर की सतह से 3 गुना ज्यादा है। यह ग्रह इतना काला कि इसके ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के प्रकाश को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिसे अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना बहुत ही मुश्किल है।